नमस्कार भारत, मैं अनुराग त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर दिए समाज और मीडिया टीवी। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर के साथ। हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच की कार्रवाई में शामिल होने के बाद हाथरस पीड़िता का परिवार सोमवार देर रात वापस अपने गांव पहुंच गया। परिवार को पुलिस सुरक्षा के बीच हाथरस लाया गया है। कोर्ट में परिवार ने एक बार फिर कहा कि जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता वे अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे, अर्थात वो अस्थियों को अपने पास ही रखेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। वहीं परिवार ने केस को यूपी से बाहर शिफ्ट करने की मांग भी की। आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस प्रशासन के साथ पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों की पेशी हुई थी। इसके लिए परिवार सोमवार तड़के कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ रवाना हुआ था। इस दौरान परिवार के साथ रहने वाली नोडल अधिकारी SDM ने बताया कि परिवार की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया और सभी बेसिक प्रोटोकॉल का पालन हुआ है। रात 11 बजे हाथरस लौटने के बाद परिवार ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी बेटी का शव बिना इजाज़त के जलाया गया। यहां तक कि परिवार को उसे आखिरी बार देखने भी नहीं दिया गया है, परिवार को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी मसले पर परिवार ने हाई कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। परिवार ने कहा कि जब तक बिटिया को पूरा न्याय नहीं मिल जाता उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। वहीं पीड़िता की तरफ से कोर्ट में पेश हुई वकील सीमा कुशवाहा ने सुनवाई के बाद बताया, हमने कोर्ट से गुजारिश की है कि ट्रायल पूरा होने तक परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने सीमा कुशवाहा से कहा कि मामले को CBI को सौंपा जाए और इसका ट्रायल दिल्ली में हो। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामला पहले से ही CBI को दिया जा चुका है। बता दें कि पीड़िता की जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए परिवार और अन्य अधिकारियों को समन भेजा। हाथरस DM प्रवीण कुमार लस्कर ने रात में अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका फैसला स्थानीय प्रशासन ने स्वयं लिया था। साथ ही शव भी सड़ और गल चुका था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार ने पीड़िता परिवार की उस मांग को माना जिसमें उन्होंने जांच पूरी होने तक सुरक्षा देने का अनुरोध किया है। सरकार ने इस पर सहमति दी। हालांकि हाथरस कांड को लेकर तमाम सवालों पर यूपी सरकार कोर्ट में घिरती दिखी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है, जिसके लिए सभी को फिर यहाँ आना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने मामले में 1 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लिया था और सभ्य और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार टाइटल से PIL दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार के तरीके पर चिंता जाहिर की थी और यूपी के उच्च अधिकारियों के साथ परिवार को घटना के तथ्य बताने के लिए समन किया था। धन्यवाद।